हूँ भूख मरूं, हूँ प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ भोर उजाला मैं भटकूं, पण मन में मारी याद रहे। नमस्कार, मैं हूँ शंकर दत्त पंत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली अनसुनी कहानियां। पहेली में आज बात होगी अपनी मातृभूमि के लिए मेवाड़ी आन बान शान का प्रतीक और राजस्थान की धरती का अभिमान महाराणा प्रताप के गौरव गाथा की। राजस्थान में एक ऐसा वीर योद्धा भी हुआ जिसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जिसने मुगल सल्तनत के आगे झुकना कभी स्वीकार नहीं किया। इस महान योद्धा की कहानी को समझने के लिए हमारा सफर शुरू हुआ उदयपुर से 30 किलोमीटर दूर मेवाड़ की वीर राणा की धरती हल्दी घाटी की तरफ। हल्दी घाटी की इस कहानी को समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। इतिहास हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है। इसी इतिहास में अनगिनत रहस्य समाये होते हैं और इंसान हर कदम पर इन्हीं पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करता है। कुछ पहेलियां नई होती हैं, कुछ होते हैं सदियों पुराने राज। पहेली अनसुनी कहानियों में आज बात होगी मेवाड़ के संस्कृति सभ्यता की अपनी अलग पहचान है। सालों पहले की बात है जब राजस्थान की लगभग सारी रियासतें अकबर की अधीनता को स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन राजस्थान में एक वीर योद्धा ऐसा भी था जिसने मुगल सल्तनत के सामने झुकना कभी स्वीकार नहीं किया, और वो योद्धा था वीर बलिदानी महाराणा प्रताप। कौन थे महाराणा, कैसा था उनका प्रताप और क्यों नहीं झुके वो कभी दुश्मनों के आगे? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारा सफर शुरू होता है उदयपुर से 30 किलोमीटर दूर मेवाड़ की वीर राणा की धरती हल्दी घाटी की तरफ। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए जीवन का बलिदान करने वाले महाराणा प्रताप की गाथा को आखिरकार कौन ऐसा है जो नहीं जानता? लेकिन क्यों खमनौर का युद्ध आज भी संशय की दृष्टि से देखा जाता है, और इस युद्ध में आखिरकार किसका विजय तिलक हुआ, किसकी जीत हुई? इसी कड़ी की सच्चाई जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं मेवाड़ की धरती यानी कि राणा की धरती हल्दी घाटी पर। ये बात हर कोई जानना चाहता है, कौन थे महाराणा प्रताप, क्यों नहीं झुके वो कभी शत्रुओं के आगे? ये बात आपको बताएं उससे पहले इतिहास के कुछ पन्नों को टटोलते हैं। ये बात थी 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी का यह समय ऐसा था जब भारत में कई छोटे बड़े राज्य थे, उनमें से एक था मेवाड़। उस समय मेवाड़ राजपुताने के प्रमुख राज्य के रूप में उभर रहा था। ये वो वक्त था जब भारत में मुगलों का शासन और दखल बढ़ता जा रहा था। कई ऐसे राज्य थे जो मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। ऐसे में एक योद्धा था राजस्थान का, जिसने कसम खाई थी कि वो कभी शत्रुओं के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाएगा। हम बात कर रहे हैं वीरों की भूमि राजस्थान में जन्मे महान हिंदू राजा महाराणा प्रताप की, जिन्होंने मुगल शासक अकबर को कई बार रणभूमि में टक्कर दी। राजस्थान राजपुताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुर देश, जाति, धर्म
और स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी पीछे नहीं हटे। अपनी माटी के लिए वीरों का ये त्याग हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, लेकिन भारत की स्वाधीनता के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में एक था मेवाड़। महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में उनकी बहादुरी के कारण अमर है। वो अकेले राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हमारा सफर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। उदयपुर से 30 किलोमीटर का सफर हमने तय कर लिया था और हमारा अगला पड़ाव था हल्दी घाटी। और अब हम आ पहुंचे हैं हल्दी घाटी की भूमि पर। यहाँ के कण कण से पूछेंगे आखिर महाराणा प्रताप का कैसा इतिहास था, कैसा जीवन था, कैसा शौर्य था। महाराणा प्रताप की वीर गाथाएं जानने की हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, और उत्सुकता हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ के कण कण में आज भी बसता है महाराणा प्रताप का शौर्य। यहाँ की धरती आज भी महाराणा के गुणगान गाती है। यहाँ का हर एक व्यक्ति दुश्मनों के आगे कभी न झुकने वाले महाराणा के आदर्शों पर आज भी चलता है। बने रहिए हमारे साथ, आगे बताएंगे कैसे हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध और क्यों खानी पड़ी थी महाराणा प्रताप को घास की रोटी। सपना शर्मा और संजय वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर से 30 किलोमीटर का सफर तय कर हम उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। जगह थी हल्दी घाटी, तारीख थी 18 जून और साल था 1576। उस दिन ऐसा क्या हुआ था हल्दी घाटी में जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, देखें आप रिपोर्ट। हल्दी घाटी है, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको यहां रेत और मिट्टी नजर आएगी। यही वो जगह है, यही वो दर्रा है जो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध के लिए इतिहास में दर्ज है। ये राजस्थान में एक लिंग जिसे करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी और दर्रे हल्दी की तरह हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा हल्दी घाटी। ऐसा क्या हुआ था हल्दी घाटी में जिसे हर कोई जानना चाहता है, और यही जानने के लिए हम सीधे पहुंच चुके हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का यही वो दर्रा है जहाँ पर अकबर और प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। ये देखिए, इसके रंग को अगर आप देखेंगे तो आपको लाल रंग नजर आएगा। इस
पर्वत श्रृंखला पर। ये कहा जाता है कि विदंतियां जो इसके पीछे हैं, जो कहानी कही जाती है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि अकबर और राणा प्रताप के बीच में जिस समय युद्ध हुआ था उस समय इतना रक्त बहा, दोनों तरफ के सैनिक शहीद हुए थे, तो उस जो रक्त उस समय बहा, जो रक्त प्रवाह हुआ वो रंग इसकी मिट्टी में समा गया और इसी कारण इसका जो रंग है आप देखेंगे, देखिए बिल्कुल लाल मिट्टी आपको नजर आएगी, ये देखिए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जो किंवदंतियां हैं, जो कहानियां इसके पीछे घड़ी जाती हैं, क्योंकि अभी हमें जो नजर आ रहा है पूरी जो पर्वत श्रृंखला है कई कई जगह से, देखिए यहाँ से जैसे लाल लाल रंग आपको नजर आएगा, कई जगह से पीली मिट्टी भी नजर आएगी। तो जो कहानियां इसके पीछे गढ़ी जाती हैं राणा प्रताप की वीरता की कहानियां, वो इसी हल्दी घाटी के कणकण में समाई है। महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध काफी चर्चित है, क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप के समय दिल्ली पर मुगल शासक अकबर का राज था। अकबर के समय के राजपूत नरेशों में महाराणा प्रताप ही ऐसे थे जिन्हें मुगल बादशाह की गुलामी पसंद नहीं थी। इसी बात पर उनकी आमेर के मान सिंह से भी अनबन हो गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मानसिंह के भड़कने से अकबर ने खुद मानसिंह और सलीम जहांगीर की अध्यक्षता में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भारी सेना भेजी। अकबर ने मेवाड़ को पूरी तरह से जीतने के लिए 18 जून 1576 ईस्वी में आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेज दिया। दोनों सेनाओं के बीच गोगुड़ा के नजदीक अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी के बीच युद्ध हुआ। यह मध्यकालीन इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध माना जाता है, जिसमें मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मानसिंह के नेतृत्व वाली अकबर की विशाल सेना का आमना सामना हुआ। आज भी इस बात पर लगातार बहस होती है कि इस युद्ध में अकबर की जीत हुई या महाराणा प्रताप ने जीत हासिल की। इस मुद्दे को लेकर कई तथ्य और रिसर्च भी सामने आए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लड़ाई में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। आपको ये बता दें कि ये जंग 18 जून 1576 में 4 घंटों के लिए चली थी। इस पूरे युद्ध में राजपूतों की सेना मुगलों पर बीस पड़ रही थी और उनकी रणनीति सफल हो रही थी। इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोंगुड़ा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया। सारे राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए और महाराणा को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पीछे जरूर हटे थे, लेकिन उन्होंने मुगलों के सामने घुटने कभी नहीं टेके। वे फिर से अपनी शक्ति जुटाने में लगे। महाराणा प्रताप के लिए यह युद्ध इतना आसान तो नहीं था, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे और अकबर के पास 85,000 सैनिकों की भारी संख्या थी। इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। हम
हम हल्दी घाटी पहुंच चुके थे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे महाराणा प्रताप से जुड़ी यादें और ताजा होती जा रही थी। हम पहुंच चुके थे उस गुफा में जहां महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी और अपना समय बिताया था। बस ये वही गुफा है जहां राणा प्रताप युद्ध की रणनीतियां बनाया करते थे। और ये गुफा है राणा प्रताप की गुफा, इसको कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर ही इसी जगह पर राणा प्रताप ने ये साधना ली, ये कसम खाई थी कि वो अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए जीवन भर साधक की तरह जीवन जिएंगे, जब तक वो अपनी भूमि को सुरक्षित वापस नहीं ले सकते, अकबर के हाथ से वापस नहीं ले लेते। ये देखिए, ये मंदिर भी बताया जाता है कि यहीं पर पूजा की जाती है। ये महाराणा प्रताप की कुल देवी है, उन्होंने जो सौगंध खाया ना, वो ये खाया कि मैं सोने चांदी के बर्तन नहीं खाऊंगा, महलों में नहीं रहूंगा। तो ये उनकी कुल देवी है, वहाँ तो रोज जा नहीं सकते हैं। वो 6 महीने साल भर तक यहाँ रहे थे, सेना बढ़ी थी, युद्ध लड़ा था, तो ये उनका कुल देवी है। अच्छा, ये पीछे जो झरना बह रहा है, ये पानी का झरना, तो ये झरना भी पुराना है। ये ऐसा हुआ था कि उन समय उनकी कुछ 15-20 सैनिक बचे थे, एक बार युद्ध हार गए थे वो, तो ये पहला रास्ता ऊपर था। इस रोड को बने 60 साल हुए हैं। अच्छा। तो इन्होंने महाराणा प्रताप के कुछ सैनिक थे, प्यासे मर रहे थे, तो इकलिंगनाथ का नाम लेके उन्होंने भाला मारा था। पंडित जी जो हैं यहाँ पर, ये इसी मंदिर में पूजा करते हैं और यहाँ के लिए ये कहा जाता है कि राणा प्रताप भी यहीं पर पूजा किया करते थे और इसी जगह पर रणनीति तैयार होती थी, युद्ध की रणनीति, और यहाँ पर ही शस्त्र बनाए जाते थे, तैयारियाँ की जाती कि किस तरह से इस बार जो युद्ध हो, अगली बार जो युद्ध हो, किस तरह से जो मुगल सेना है उसको घेरा जाए और कैसे एक नई युद्ध पद्धति से वीरता जो है वो दिखाई जाए। पंडित जी ने जिस झरने के बारे में हमें बताया था, हमारा अगला पड़ाव वही था और हम सीधे उसी जगह पर पहुंच चुके थे। कहा जाता है कि पहला युद्ध जो प्रताप हार गए थे, जिसमें विजय नहीं हुई थी, उसके बाद प्रताप के सैनिक को प्यास लगी और उनके लिए जल की जो व्यवस्था है वो राणा प्रताप ने भाले से यहाँ पर इस चट्टान पर भाला मारा और यहाँ से पानी इस तरह से निकला, और ये अपने आप में अद्भुत है। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें एक शिवलिंग दिखाई दिया। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप इसी शिवलिंग की पूजा किया करते थे। देखिए, उस समय राणा प्रताप के लिए ये भी कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, इसकी पूजा किया करते थे प्रताप। और हालांकि अब इस समय देखेंगे तो अब तो ये नया मंदिर बन चुका है, और ये देखिए यहाँ पर लोग पूजा भी करते हैं। तो देखा आपने, इतिहास के ऐसे वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप। चाहे परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार कभी नहीं मानी। बने रहिए हमारे साथ, आगे दिखाएंगे महाराणा प्रताप के 72 किलो के कवच और 81 किलो के भाले का क्या था रहस्य। सपना शर्मा, संजय वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और आज भी इस बात पर बहस लगातार होती रही है कि इस युद्ध में अकबर की हार हुई या फिर महाराणा प्रताप की जीत हुई। इस मुद्दे को लेकर कई तथ्य और रिसर्च भी सामने आए। हल्दी घाटी पहुंचकर हमने जब इसकी पड़ताल की तो देखिए क्या सच सामने निकल कर आया। हमारा सफर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। हम हल्दी घाटी में ही थे तभी हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर मोहन शिवाली से, जिन्होंने महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं को खूबसूरती से जीवंत रखा है। डॉक्टर शिवाली ने प्रताप के नाम पर एक विशाल संग्रहालय भी बना रखा है। मैं 71 में बलवंत सिंह जी मेहता जो थे फ्रीडम फाइटर, वो महाराणा प्रताप के फैन थे,
तो वो उन्होंने मेरे को पढ़ाया, तो वो महाराणा प्रताप के बारे में बताया और मेरी जन्मभूमि यही हल्दीघाट यहीं पैदा हुआ, तो उनको ये था कि तेरे को महाराणा प्रताप का इतिहास मालूम होना चाहिए, तो मेरे को पढ़ाया और फिर उन्होंने मेरे को बोला तेरे को टीचर बनना पड़ेगा, तो मेरे को बीएड करा करके यहाँ टीचर बना दिया हल्दीघाटी में, और यहाँ करके मैं महाराणा प्रताप का काम करने लगा। तो यहाँ जो पर्यटक आते थे पहले, उसमें यहाँ कुछ नहीं था, खाली एक चिट्टकोड़े की समाधि थी और रक्तलय में एक छतरी थी बस। बात अगर खमनौर के युद्ध की करें तो इसे लेकर इतिहासकारों के अपने अपने अलग तर्क हैं। युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई या विजय, इसे लेकर भी कई तर्क हैं। डॉक्टर शिमाली से सुनते हैं इस युद्ध के बारे में वो क्या सोचते हैं। खमनौर के युद्ध को लेकर जिस तरह की बातें कही जाती हैं, अलग अलग द्वंद हैं उस युद्ध को लेकर, किसकी जीत हुई, कौन विजय हुआ, तो इस बारे में कुछ बताइए आप। पहले तो ऐसे मैंने बताया, 100 साल पहले तो कहते थे कि महाराणा प्रताप हार गए और भाग गए, ऐसे कहते थे। और उसके बाद 50 साल के बाद ये हुआ कि महाराणा प्रताप ये युद्ध जो हुआ बिना हार जीत के हो गया, न कोई हारा न कोई जीता, न तो राजा। और इस फिर अभी आज के वर्तमान में जो इतिहासकार, उन्होंने इसका पूरा अध्ययन करके बताया कि महाराणा प्रताप इसमें विजयी रहे, क्योंकि न तो महाराणा प्रताप पकड़े गए, न मारे गए, न सरेंडर हुए। और उन्होंने जो गोगुंदा राजधानी थी वहाँ पर भी मुगल जो है वहाँ पर अपना शासक नियुक्त नहीं कर पाए, और महाराणा प्रताप ने वापस मेवाड़ को जो मुगलों ने लिया था उसको वापस रिकवर कर लिया, और युद्ध वो निरंतर करते रहे। अगर युद्ध नहीं करते तो उनकी हार मान लेते, इसलिए आज की तारीख में जो लोग कहते हैं महाराणा प्रताप इस युद्ध में विजयी रहे। भाई बहनों में सबसे बड़े थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ वंश के 12वें शासक और उदयपुर के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में एक माने जाने वाले महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच के थे। वे 72 किलो का कवच और 81 किलो का भाला रखते थे। महाराणा प्रताप मुगल साम्राज्य के विस्तारवाद के खिलाफ सैन्य प्रतिरोध और हल्दीघाटी की लड़ाई और देवर की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर को 1577, 1578 और 1579 में 3 बार हराया। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़े का नाम चेतक था। वो घोड़ा बहुत बहादुर था। हल्दीघाटी में आज भी चेतक की समाधि बनी है। हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान ही चेतक शहीद हुआ था। हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप का अनूठा सहयोगी था चेतक। बाज नहीं, खरगाज नहीं, पर आसमान में उड़ता था, इसीलिए नाम पड़ा चेतक। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में पहली अनसुनी कहानियों में आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update.